बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह और बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच लालू यादव को भारत रत्न देने को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। राजद कार्यकर्ताओं की ओर से लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग वाले पोस्टर पर विजय सिन्हा ने लालू यादव को जंगल राज का पुरोधा और भ्रष्टाचार का मसीहा बताया था। इसके जवाब में सुधाकर सिंह ने विजय सिन्हा पर पलटवार करते हुए उन्हें सावरकर का वंशज करार दे दिया। मामला तब शुरू हुआ जब राजद कार्यकर्ताओं की ओर से लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग वाले पोस्टर लगाए गए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा था, लालू यादव जंगल राज के पुरोधा और भ्रष्टाचार की मसीहा हैं। उनके कारण हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्यों में शर्मिंदा होती हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत रत्न की मांग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। विजय सिन्हा के इस बयान पर अब बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार किया है। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, विजय सिन्हा सावरकर के वंशज हैं। यह लोग जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का काम किया करते थे, जो आजादी के खिलाफ थे, उनके लिए जीवन भर भारत रत्न मांगने का काम करते रहे हैं। लालू यादव को किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लालू यादव भारत रत्न हैं। जब जब लालू यादव इन लोगों के सपने में आते हैं, तब इन लोगों को दुख होता है। वहीं कैमूर में पत्रकार के भाई की गोली मारकर हत्या पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में रोज हत्याएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा, इस राज्य में किस दिन हत्याएं नहीं हो रही हैं? बिहार में रोजाना दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं, तो कभी वो माफी नहीं मांगेंगे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है,